पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से लोग काफ़ी परेशान हैं। शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल 78 रुपये 68 पैसे और डीजल 70 रुपये 42 पैसे में बिक रहा है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने आए लोगों का कहना है कि लगातार हो रही बढ़ोतरी से उनका बजट बिगड़ रहा है। साथ ही लोगों ने कहा कि इसे लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए। दामों में तो वृद्धि हो रही है, एक्चुअली यहाँ है क्या कि इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ रहा है जिसके वजह से ये हो रहा है, लेकिन सरकार को इस पर सब्सिडी दे देना चाहिए। अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है और जिस स्तर पर जा रहा है हम लोग समझ रहे हैं कि कहीं 100 पार न कर जाए। हम लोग को डेली यात्रा करनी होती है दूर की, उसमें दिक्कतें तो आ रही हैं, लेकिन अब देखते देखते कब कम खत्म हो रही हैं। काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, इनकम जो है उतना ही है, रेट डे बाई डे बढ़ते जा रहा है, सब चीज़ पर महंगाई बढ़ते जा रहा है। आई सरकार सुनने वाली नहीं है, इस सरकार को खत्म कर देना चाहिए। मोदी जी देश के लिए बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल से हर आदमी को लॉस है, किसान को भी कोई प्रॉफिट नहीं है, लॉस ही लॉस है। कहाँ 60 रुपया था, आज कहाँ हो गया 70 रुपया, पेट्रोल का हो गया 85 रुपया हो गया, कहाँ 70 रुपया 69 रुपया चल रहा था। तो प्रत्येक दिन तो समझिए महंगा ही महंगा है, सस्ता हो नहीं रहा है। ये तो गवर्नमेंट सरकार की केंद्र का कोई फायदा हो नहीं रहा है। मुश्किल है सर, हालत खराब है। जहाँ टंकी फुल 2200 में था, 2500 में टंकी फुल नहीं हो रहा है। ये तो डेली दाम बढ़ते जा रहा है, अब तो कोई लगाम ही नहीं है। एक्चुअली क्या चल रहा है मालूम नहीं है, सरकार क्या कर रही है और क्या पेट्रोल बार बार कैसे कैसे बार दाम बढ़ रहे हैं मालूम नहीं पड़ रहा है। जेब का हिस्सा बहुत सारा बड़ा हिस्सा पेट्रोल ही खाए जा रहा है और वो लगातार जा रही है। अभी क्या करेगा, जो डेली अब डेली का डेली बढ़ रहा है, यहाँ पे पेट्रोल लेने जा रहा है 2 रुपया 4 रुपया 2 पैसा या 5 पैसा बढ़ते जा रहा है। ये सरकार तो कुछ नहीं कर रहा, मोदी सरकार भी कुछ नहीं कर रहा, कोई सरकार भी यहाँ हम लोगों को देखने वाला नहीं है। हमको तो चलाना गाड़ी मुश्किल हो जाए, कहाँ भाड़ा नहीं हो रहा है, ऊपर से दिन पे दिन हर महीना हर दिन 15 दिन में बार बार गाड़ी का तेल का दाम बढ़ रहा है।